हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल हंता ब्लॉग। तो आज चलते हैं मार्केट, क्योंकि मैंने करनी है शॉपिंग। इस बार मैंने 2020 में शॉपिंग ही नहीं की है, तो अब मुझे करनी है शॉपिंग। मैंने लेने हैं गारमेंट्स, ठीक है, गारमेंट देने। तो फटाफट मार्केट चलते हैं, देखते हैं मार्केट में माहौल कैसा है। और जो मैंने गारमेंट्स लेने हैं, मैंने चॉइस कर रखे हैं, देखे हैं मैंने मार्केट में, एक झलक देखे थे, मुझे पसंद आए थे, तो पसंद पसंद आए थे तो फटाफट उसको देखेंगे। अगर वो होगा तो लेके आएंगे, नहीं होगा तो नया देखेंगे। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और मार्केट जाने से पहले मैंने देना है कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े को सिलवाना है मैंने। तो पहले टेलर भैया के यहाँ जाएंगे, उनको कपड़े दे देंगे, फिर चलते हैं मार्केट को अपनी शॉपिंग के लिए जो मैंने लेने हैं। आज मौसम बड़ा सही है यार, धूप वो लग रही है और मैं तो थकावट में होने लग गया ठंडा आकर। तो अब मैं पहुंचने वाला हूँ सबकी बोल भैया की दुकान पे, जिनके टेलरिंग भैया के, बट उनकी तो दुकान बंद है। ओह शिट मैन, दुकान ही बंद है इनकी। तो वो भाई बड़े तो गड्ढे कर दिए उन्होंने हमें। अच्छा करते हैं, सीधे मार्केट ही करते हैं अपने कपड़े के लिए। अरे यार पानी बन गया, तो पहले चलते हैं फैशन अप में। फटाफट फोटो फैशन अप में देखता हूँ, क्योंकि मैंने वहीं देखा था, कॉलेज किया था तो वहीं देखते थे। मैं तो सोचा था और तरह शॉपिंग करूंगा, बट इस बार मैंने एक ही दुकान में मिल गया मुझे जिस तरह का मुझे चाहिए था। और अब चलते हैं मार्केट, मार्केट का माहौल देखने चलते हैं। सोचा तो बहुत कुछ था, पर एक ही जगह लूट गया मेरा। तो अब मैं आपको जो भी मैंने लिए है वो आपको घर में घर जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मार्केट का माहौल देख लेते हैं, मार्केट में कैसा हो रहा है। भीड़ ही भीड़ है भाई साहब। मिल गए प्रणाम, मार्केट जा रहा हूँ। अभी मामा 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 आ गए हैं पिथौरागढ़। मामा पिथौरागढ़ अभी चेक वगैरह कराने हैं अपना, तो बीमार हुए हैं, पता नहीं क्या हुए हैं। मामा अगर आपको पिथौरागढ़ का ग्राउंड घुमाता हूँ, मार्केट पिथौरागढ़ के मार्केट का, सॉरी पिथौरागढ़ मार्केट का।
ऐसी जगह है जहाँ पार्किंग ही नहीं मिलती कभी। बड़ी बड़ी पार्किंग मिल जाती है बस। तो अभी पहुंच चुका हूँ मैं गांधी चौक। दिखा एक से एक ऐसी भीड़ है यहाँ पे, इसलिए कर नहीं कर रहा है। तो मेरे सारे रुपए तो वहीं फूक गए भाई, उसी गारमेंट्स में, उसी शॉप में ही। तो भीड़ देखो भाई साहब, भीड़ 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 भीड़। तो अभी चलते हैं फटाफट सुनार गली। सुनार गली में क्योंकि एक सस्ते गली की दुकान है, तो वहीं से लेते हैं। ये है सुनार गली। इसी गली में सब सुनार मिलेंगे और थोक की दुकान मिलेगी। ये है शॉप अंडरगारमेंट सर, थोक की शॉप, ऐसे लेता हूँ फटाफट लेते। तो ये है मेन जहाँ थोक लगी रहती है, थोक सस्ते में मिलता है यहाँ सामान। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए लगी है, और जो बीच बीच में दिख रहा है वो जनरल स्टोर, वो भी सस्ता ही देता है, थोक में थोक रहने मिलते हैं। तो पिथौरागढ़ में जिसको भी सस्ता लेना है वो इस दुकान में आ सकता है लेने सामान हमारा लेने के लिए। और देखो एक दो अंडरवेयर के लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। मैं निकल चुका हूँ वापस। वहाँ पर एक अंडरवियर लेने के लिए साला, एक दो अंडरवियर लेने के लिए इतना वेट करना पड़ता। देखा सूखी दुकान में, अब मेरा मुद्दा ये था कि मतलब साला एक अंडरवियर लेना तो इतना महंगा कौन लेगा है? साला पहनना तो अंदर ही है। तब उस चक्कर से वहीं से लेने का फायदा है। तो आप फटाफट से घर पहुँचते हैं। अभी मैंने सामान वामान उसी दुकान में छोड़ के आया हूँ, ताकि मैं वहीं से पिक करके पिक कर लूँ। तो वहीं से फटाफट पिक कर लेते सामान अपना, और उसी से घर को निकलते हैं। माहौल तो ऐसे है, बाप रे भीड़ बहुत है यार। घर पहुँच गया मैं, कहना फटाफट ऐसे सामान वामान ले लेते अपना। धन्यवाद यार, ठीक है ओके ब्रो। और अभी भी नहीं खुला हुआ, तो यार टेलर की भैया की दुकान से तो हो गया। फिर जैसा सामान लाया था वो भी घूम के जाना पड़ेगा, और जो शॉपिंग करा है वो भी। यहाँ पे चल रहा है काम, रास्ता ब्लॉक कर दिया है साला, ये भयंकर बना दिया रास्ता। नहीं तो यहाँ मैं दिखा था गाड़ी कैसे चढ़ती है, वहाँ पर इतनी मतलब इतनी बहुत ही गंदी चढ़ाई है। घर के पीछे रास्ता है ना, तो बहुत ही गंदी चढ़ाई। तो फटाफट दिखाता हूँ सामान, लेट्स गो। तो गाइस सब मैं पिक करके आ चुका हूँ, और मुझे नहीं लगा था कि मैं सारा एक ही दुकान से उठाऊँगा सारा सामान, बट कोई नहीं उठा लिया, एक पसंद आ गया। तो और इस बार मैंने शॉपिंग इस तरह से की है कि ताकि मैं ऊपर ट्रैक शूट बना के चलूँ, मतलब ट्रैक पूरा ऊपर का नीचे तक। तो सबसे ये है, मैंने ये है मैचिंग के लिए, अभी दिखाऊंगा इसको सब। ये इसमें रेड टाइप का दिख रहा है, बट ये रेड नहीं है, ये वाला कलर है, ईट का कलर है।
डाल रहा है मैचिंग के लिए, और एक शूज लेके आया हूँ मैं अपने के लिए, लू बहुत तगड़ा लग रहा है, लाया इसके लिए, और एक लोअर सेम है बस कलर अलग है क्योंकि इसका मैचिंग के लिए है मेरे पास पहले से, तो मैं इसके मैचिंग के लिए नहीं लाया हूँ। इसलिए था कि मैं एक ही जगह से लेके आऊँगा, बट अच्छी बात है मिल गया तो मुझे एक ही जगह, सारा शूज भी मिला, शूज भी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक दो अंडरवेयर के लिए मुझे इतना टाइम लग गया ना, बाय गॉड। मुझे थोड़ा और शॉपिंग करना था, मैंने टोपियों भी लेनी थी जाड़ों के लिए, और क्या बोलते जैकेट लेने थे, बट घर से जितना मिला उतने में सिर्फ इतना ही आ पाया। ओह माय गॉड। तो बस अब इसको फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ उसका फोटो शूट करके, पहन के दिखाता हूँ मैं, ठीक है इसका, तो फोटो शूट कर लेते इसका बराबर शायद दो तीन, फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो आपने जैसे कि फोटो शूट देख लिया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मतलब कैसा लगा मेरा ड्रेसिंग सेंस और मेरा ड्रैग मुझ पर कैसा लग रहा था, तो ये बताना। और मैंने सारा पैसा आपसे लिया है पूरा, ठीक है। और तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है जैसे कि आपको पता है यार, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि मेरा सारे अप टू डेट मिले आपको ब्लॉग। पीस आउट।